बरतानिया के शेडोर डिप्टी लीडर अफजल खान ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया कि वाजे किया जाए कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीरुर रहमान को बुनियादी इंसानी हकूक क्यों नहीं दिए जा रहे। लंदन से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज मुर्तजा अली शाह। शैडो डेप्यूटी लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स और लेबर पार्लियामेंटेरियन अफजल खान एमपी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीरुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी और बंदिश का नोटिस लेकर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम एक खत में अफजल खान एमपी ने कहा है कि मीर शकीरुर रहमान की एक 34 साल पुराने प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हाथों गिरफ्तारी ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। अफजल खान एमपी ने अपने खत में कहा है कि बासीद वकील वो समझते हैं कि मीर शकीरुर रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी और कैद और आम अदालत के सामने ट्रायल न होना बजाय खुद एक मसला है। लेबर पार्टी की शैडो कैबिनेट के रुकन ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि मीर शकीरुर रहमान को आजादाना तौर पर इंसाफ हासिल करने के हक को तस्लीम किया जाए। अफजल खान एमपी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि मीर शकीरुर रहमान को इंसाफ फराहम किया जाए। दुनिया भर की जर्नलिस्ट और इंसानी हकूक की तंजीमों और जमहूरी हुकूमतों ने मीर शकीरुर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उनकी रिहाई का मुतालबा करते हुए इसे आजादी सहाफत पर खुला हमला करार दिया है। कैमरामैन नसीर अहमद के साथ मुर्तजा अली शाह, जियो न्यूज, लंदन।